जिसका इंतजार था आप लोगों को, उस जगह हम लोग पहुंच चुके हैं। जो कि रास्ता इस तरफ से है, ये जामडी का रास्ता है, उस तरफ से हम लोग इधर आए, यहाँ पहुंचे हैं और आपके सामने है ये हिडन लेक इस तरफ। इट्स मी एमके एंड सागर, आपका फिर से स्वागत करते हैं हिडन लेक वीडियोस के पार्ट टू में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, तो सामने दलमा और ये रोड जाती है चांडिल की ओर, पर हम जाएंगे ये पश्चिम दिशा में, जहाँ रंगा खेना में मेरा एक भाई है, साथ हम चलेंगे, वो हमें फिर से गाइड करेगा। पिछले बार हम पहाड़ी रास्ते से होते हुए डोबो डैम को कवर करते हुए हिडन लेक तक पहुँचे थे, पर इस बार हम सीधे हिडन लेक जाएंगे बाय रूट। यही है दूसरा पार्ट में हम आपको रोड के थ्रू से दिखाएं कि किस तरफ से जाना होता है। सो दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं मेरे भाई कुंवर के घर, जो कि हम लोग हिडन लेक का पार्ट टू बना रहे हैं। बनाने का एक रीज़न ये भी है कि पिछले बार की वीडियोस में हम लोगों ने बहुत सारे डिटेल मिस कर दिए थे। एक्चुअली टाइम बहुत कम रह गया था हमारे पास, जिस वजह से हम लोग कैप्चर नहीं कर पाए, और आप उस समय हम लोग पहाड़ी रास्तों से गए थे, और एक शॉर्ट वे है इसका हिडन लेक तक पहुँचने का, जो कि अंधेरे होने की वजह से हम लोग दिखा नहीं पाए थे। आज हम लोग वही कोशिश कर रहे हैं कि इस पार्ट टू में पूरी डिटेल्स कवर करें और आप लोग को वो सारे रास्ते बता पाए जहां से आप लोग पहुंच सको। तो हम लोग पिछली बार की तरह जो जो सामान थे हमारे, वो सारे लेकर जा रहे हैं, जैसे कि ये जादू का पिटारा और छोटी सी छड़ी होगी लेकर आ रहा मेरा भाई कुंवर। फिर यहाँ से हम लोग चलेंगे बाय रूट, एक गाँव होगा शाही झरना, उसके बाद एक जामडी, जामडी के बाद वो हिडन लेक आता है, तो रास्ते में बताते चलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। ये वो जगह जहाँ पिछले बार हम यहाँ से अपना सफर शुरू किए थे, इस जगह से पहाड़ी के उस तरफ से, और इस जगह को कहते हैं रंगा खेना। जरा कैमरा घुमाइएगा चारों तरफ। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, सामने एक गांव है शाही झरना, शाही झरना के बाद हमारा जामडी जामडी मिलेगा, जामडी के बाद ही हमारा डेस्टिनेशन। आगे चलते फिर। तो दोस्तों, अभी हम पहुंचे हैं शाही झरना जाहिर टोला, जो ये सामने जो ग्राम है, और ये मेरे सामने इधर इस तरफ एक पवित्र स्थल है, जो ग्रामीण यहाँ आकर पूजा करते हैं। ये जो रास्ता है, इसी से हमें आगे बढ़ना होगा हिडन लेक के लिए। इसके आगे हमें जामडी का एक गांव मिलेगा। ये है ग्राम जामडी, यहाँ रुकेंगे नहीं, क्योंकि फिर हम नहीं चाहते कि इसका पार्ट थ्री बने। आज ही हम सारा कुछ कवर कर लेंगे, सारा डिटेल्स इन्हीं रास्तों से होकर आप लोगों को पहुँचना होगा हिडन लेक के लिए। या अब हम लोग बढ़ते हैं इसी रूट से, ये इसी ये आखिरी गांव है, इसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे हिडन लेक। जिसका इंतजार था आप लोगों को, उस जगह हम लोग पहुंच चुके हैं। जो कि रास्ता इस तरफ से है, ये जामडी का रास्ता है, उस तरफ से हम लोग इधर आए, यहाँ पहुंचे हैं, और आपके सामने है ये हिडन लेक इस तरफ। हाँ भाई, दिखाओ जरा सा। जी हाँ, ये है हिडन लेक, और इसको उस दिन हम लोगों ने काफी हद तक आप लोगों को अच्छे तरीके से दिखाया। आज भी थोड़ा सा हम लोग अंदर सैर सपाटा करेंगे, फिर दिखाएंगे। ये हमारा जादू का पिटारा, और पिछले बार हमने इससे निकाले थे दो बड़े बड़े गुब्बारे, और आज फिर से हम लोग बनाने वाले हैं। हमारा शरीर का जितना हवा है सब इसमें डाल देना पड़ेगा। ये हमारा एक फोल्डेबल एक स्टीमर है,
पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो बताने की कोई जरूरत नहीं। अब हम लोग इसे खुलाने वाले हैं। तो कुंवर क्या कहते हो, कंपटीशन हो जाए? चल भाई हो जाए एकदम। कौन पहले अपना स्टीमर का ये गुब्बारा फुलाता है? भाई अब तो मेरा सांस रुकता है, सब खत्म हो जाएगा, इसे लेना होगा सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे कुंवर भाई के बहुत ही लाजवाब और उनका ये जो जीरो है अभी कुछ ही देरी में हीरो बनने के लायक भाई चीटिंग हो गया है। नहीं भाई ने ये हमारी की एयरलॉक की क्या होगा कि हमारा जो ट्यूब है हमारे एयर लॉक हो जाएगा और इस और हमारा स्टीमर रेडी हो जाएगा चलने के लिए। और ये हो गई लॉक। साथियों ये रही हमारी जादू की छड़ी, पिछले बार इसी ने कमाल करी थी। अब हम आप लोगों को दिखाएंगे ये छोटा सा झील जो कि हम इसे हिडन लेक कहकर बुला रहे हैं। पिछले बार जब हम आए थे दोस्तों तो हम डोबर डैम की तरफ से इस तरफ आए थे, वो जो पहाड़ी है उसके पार में ही है डोबो का डैम, उसके बगल से एक पतला सा एक पानी का रास्ता है, वहीं से डोबो के लिए रास्ता था। पर पिछले वीडियोस में हम लोग बहुत सारा कुछ मिस कर गए थे, बहुत सारा कुछ कवर नहीं कर पाए क्योंकि आते आते हमें बहुत शाम हो गया था। और क्योंकि हम पहाड़ी के रास्ते से आए थे, रीज़न ये था कि हमें इन दोनों का संबंध दिखाना था, ये लेक और डैम किस तरीके से कनेक्टेड है। पर ये एक सेपरेट हिस्सा है, ये जो हिस्सा है एकदम से अलग है। ये हम लोग देख सकते हैं इस तरफ पहाड़ है दलमा का और चारों तरफ हरियाली, एकदम प्राकृतिक की सौंदर्यता। तो ये इलाका पड़ता है जामडी का और इस तरफ आगे है रामगढ़। रामगढ़ गांव का सीमा पड़ता है यहाँ सामने से और ये यहाँ पर सीमा पड़ता है जामडी का, इन दोनों के बीच में ही पड़ता है ये झील। ऊपर पेड़ पर चढ़े हैं मेरे कुछ प्यारे दोस्त आसन बनी से, वो अब आप लोगों को कर्तव्य दिखाएंगे कुछ हैरत अंगेज। क्या आप लोग तैयार हो? मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि इस झील का एक नाम होना चाहिए क्योंकि हम लोग इसे हिडन लेक बुला रहे हैं, ये का कोई नाम नहीं है। इस वीडियो में प्लीज़ आप लोग एक प्यारा सा सुंदर सा एक अच्छा सा नाम सोचकर कमेंट में बताएं या फिर सजेस्ट करें क्या नाम होना चाहिए। फाइनली हिडन लेक का पार्ट टू कम्प्लीट हुआ और ये सफ़र भी कम्प्लीट हुआ। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ का दिए गए डिटेल्स और जो एड्रेस हमने किए वो सब आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो ज़रूर विज़िट करें और विज़िट करने से पहले कोशिश ये करें कि यहाँ के लोकल के किसी ऐसे बंदे से जिससे आपका ट्रस्ट हो उससे मिल ले और डिटेल करके ही घूमें क्योंकि जगह ख़तरनाक हो सकता है। काफ़ी मज़ा था और काफ़ी मेहनतदायक। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बस दुआ है। और इसी तरह से आपको नया नया चीज़ें दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।